केंद्रीय मंत्री को विभाग मिला, पीएम मोदी में विभागों का बिल्कुल बंटवारा कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम मोदी ने विभागों का बंटवारा किया है। मोदी 3.0 से जुड़ी हुई खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों को विभाग मिल चुके हैं, तो इस पर बात हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी कि विभागों का बंटवारा कैसे होगा, किन्हें कौन सा दायित्व मिलेगा, किनके ऊपर कौन सी जिम्मेदारी किस विभाग की होगी। तो पीएम मोदी ने विभागों का बंटवारा कर दिया, पोर्टफोलियो की बात चल रही थी। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सबसे अहम खबर है, कुछ देर पहले तस्वीरें आई कि कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई और नितिन गडकरी के बारे में खबर आ रही है कि सड़क और परिवहन मंत्री के तौर पर वे जिम्मेदारी संभालेंगे। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और नितिन गडकरी जिस तरीके से अपने विभाग में काम करने के लिए मशहूर हैं, उन्हें उस विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक बड़ा सड़कों का जो नेटवर्क सपने के तौर पर देखा उन्होंने, उसे पूरा करने की कोशिश की और ये कंटिन्यू भी करेंगे। यानी कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की जो जिम्मेदारी है उनके हाथों में होगी। तो नितिन गडकरी को लेकर एक बड़ी जानकारी, जैसा कि सूत्र हमें बता रहे हैं, हम आपको एक एक कर उन नामों की चर्चा करेंगे किन्हें क्या विभाग मिला और बिहार की तरफ से जिन नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली थी उन्हें कौन सा विभाग मिला, इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। फिलहाल जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, एक नाम की जो चर्चा अभी सबसे पहले हुई है वो नितिन गडकरी का नाम है, जिन्हें विभाग लॉट कर दिया गया है। 1.5 घंटे तक कैबिनेट की मीटिंग चली और 1.5 घंटे के बाद जो निष्कर्ष है वो स्क्रीन पर है। नितिन गडकरी जिन्हें फिर से एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप जो कर रहे थे उसे आप कंटिन्यू करें, सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी को सौंपा गया है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। तो विभागों का बंटवारा हो चुका है और एक एक कर नाम सामने आ रहे हैं, जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं, अब सिर्फ काम करना है। और इसमें कहीं से भी, क्योंकि जो एक्शन आप देख पा रहे हैं, पीएम पद की शपथ लेने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका ये पूरा सिस्टम बिल्कुल ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो जानकारी मिल पा रही है, पीएम मोदी ने विभागों का बंटवारा कर दिया, केंद्रीय मंत्रियों को विभाग मिल गए हैं, जिम्मेदारी तय हो गई है। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक नितिन गडकरी के बारे में जो सूचना है कि उन्हें कहा गया है कि पूरे देश में जो सड़कों का जो जाल है, जो पैमाना है, जो स्तर है, उसे ऊंचा करते हुए विभागों सौंपे गए हैं। तो ये नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है, एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा, इससे जुड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कैबिनेट मीटिंग हो रही थी तब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है वो सभी इस प्रधानमंत्री की बैठक में मौजूद थे। अब इनके ऊपर जो दायित्व सौंपा गया है उसके बारे में सारी जानकारियां अब आनी शुरू हो गई हैं। पीएम मोदी ने विभागों का बंटवारा कर दिया है, केंद्रीय मंत्रियों को विभाग सौंपे गए हैं और ऐसे में नितिन गडकरी को सड़क और परिवहन विभाग सौंपा गया है, जिसके लिए नितिन गडकरी ने उसे साबित कर भी दिखाया था, उनके काम से काफी प्रभावित भी थे सभी लोग। और ऐसे में एक बड़ी जानकारी इस वक्त,